क्या खाओगी बताओ, वो बनवा देता हूँ। मैं खिलाती हूँ मैनाल को सब्जी। नहीं ठीक है, मैं खिलाता हूँ। शिवा मैम कहाँ है? अपने कमरे में, अच्छा एक हफ्ते तक अब वो अपने कमरे में रहेंगे। जब उनका दिल टूटता है तो फिर घर की चीजें तोड़फोड़ करती हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो कमरे में ही रहे। को कुछ कर लूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं खुद को कुछ कर लूंगा। प्लीज ऐसी बातें मत करें। ताकि कसम, मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। बताओ सच क्या है, ख्वाब में क्या देखा था? निम्मो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ख्वाब में क्या देखा था तुमने? आपकी अम्मी और बहन मेरा गला दबा रही थी। काशिफ, काशिफ, मुझे मेरे मरे हुए बाप की कसम, मुझे मेरी बहन की कसम, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। प्लीज आप मत करें मेरे साथ ऐसा। I'm really sorry. पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। जब तुम्हारा पहला ख्वाब सुना है तब से उलझ सा गया हूँ। ऊपर से दोस्तों से झगड़ा हो गया, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर जब से सुनी है मेरा तो दिमाग बंद हो गया है। लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। तुमने कल अम्मी को ख्वाब में देखा तो मैं मारना चाह रही थी, इसका मतलब है कि वो हमें अलग करने का तरीका सोच रही। काशिफ, काशिफ, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझे अलग घर ले देंगे? कोई जिद नहीं है, बस हर लड़की चाहती है कि उसका अपना एक घर। करोगे ना मुझसे शादी? मुझे माफ माफ शिवा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। चलो बेटा, पापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं जा रहा हूं। ठीक है, आप मैं सोच रहा हूं कि आज आपको साथ ले चलूं। नहीं साहब जी, मनाल को मुझे दे दें। नहीं, तसली रहेगी मुझे। मैं सोच रहा हूँ आज ऑफिस साथ ले जाऊँ इसको। आ जाओ, चलो बैठो, वहाँ पे प्ले एरिया भी है, आपको पता। क्या मनाल कहीं नहीं जा रही, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। मैं सोच रहा था अगर शादी का तो तुम सोच नहीं सके, अब क्या सोच रहे? मैं सोच रहा था कि मनाल को साथ ले जाऊं। कहाँ? ऑफिस। तुम पहले ही रात को मुझे बहुत दुख दे चुके, प्लीज अब और मत दुख देना। शादी नहीं करना चाहते ना करो, लेकिन मनाल को मुझसे दूर मत करना। बहुत मुश्किल से मुझे जीने का मकसद मिला, मुझे जीने दो प्लीज। तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम जाओ ऑफिस जाओ। हाँ तुम जाओ, अब मनाल हम खेलते हैं और फिर शाम में पार्क जाएंगे, ठीक है? और खूब एंजॉय करेंगे। आप
आप बीबी जी और मिनाल दोनों का ख्याल रखिए। जी साहब जी, जरूर। हाय, कितने दिनों बाद देखा हूं इतने करीब से। सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, जो बोलना है जल्दी बोलो। जुल्म मत करो, ये 20 मिनट तो सिर्फ तुम्हें मैंने देखना है। इंटरनेट का पैकेज के बहाने आई हूँ मैं। तो कब तक इस तरह तरस तरस के मिलते रहेंगे हम? ठीक है, जॉब करो और अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता भेजो। अबे मैट्रिक फेल को कौन नौकरी देगा? कुछ भी करो, दुकान ही कर लो। सेल्समैन का सोच रहा हूँ। हाँ तो कर लो, लेकिन कुछ तो करो। मुझे मिलना है तुमसे। मिल तो रही हूँ। ये 20 मिनट वाला नहीं, बहुत फुर्सत वाला। पागल हो गए हो क्या? हाँ हो गया हूँ पागल। छत पर रात को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी तो मिल चुकी हो। हाँ लेकिन पहले की बात और थी, उस वक्त अब्बा और भाई हैदराबाद गए हुए थे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत सी दिल की बातें करनी है तुमसे, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, देखूंगी कोई मौका। मेरे सर पर हाथ रखकर बोलो। कहाँ ना आ जाऊंगी, और जानती हूँ तुम्हारी दिल की बातें मैं। आई लव यू। अच्छा एक बात तो बताओ, कौन सी गिफ्ट की बात कर रहे थे तुम? हाँ क्या पहेली है ये? ये है गिफ्ट, तुम्हारी भाभी निम्मो और उसका आशिक अयूब। ये बंदा तो उस दिन शादी हॉल में था, ब्राइडल रूम में, भाभी के कमरे में, बल्कि इसने तो वेटर बन के मुझसे बात भी की थी। काफी पुराना याराना लग रहा है, अभी तक चल रहा है। जहन्नम में जाए वो मनहूस औरत, मेरे भाई को धोखा दे रही है। मैंने स्कैन कर ली, ये तस्वीर तुम रख लो और सोचो क्या करना है अपनी भाभी जी का। अभी तक तुम्हारा हनीमून ही चल रहा है, घर के काम क्या तुम्हारे बाप आके करेंगे हैं? सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तुम्हारे सारे दर्दों का ना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। हर वक्त मेरे कानों में बीबी दम वाली की बातें गूंजती रहती हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, या ना करे, सबके सामने चौराहे पे तुम्हें फांसी दूंगी, सबके सामने, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, समझ लो अच्छी तरह। मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर? अरे तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में शामिल हुई हो। देखो जाके कौन है बाहर, जाओ।